नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, हम आहिस्ते आहिस्ते ही आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे आप लगातार खबरें भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है वो दो फाड़ में बट चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, पहले हम आपको वो आदेश की कॉपी दिखा रहे हैं जो इस वक्त तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से पटना में जो जल जमाव हुआ था उसका कारण क्या है, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ चूक हुई, ये जानने के लिए 3 सदस्यों की टीम को गठित किया जाता है। ये आदेश की कॉपी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, किस तरीके से संजय कुमार जो सचिव हैं उनका नाम दिया जाता है, नगर आयुक्त का नाम दिया जाता है, इन तीनों का नाम दिया जाता है जो आदेश की कॉपी हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद आज सुबह जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से जवाब तलब किया गया, ये पूछा गया कि क्या टीम गठित हो गई है ताकि ये पता चल सके कि जाँच हो रही है या नहीं, कौन था जिम्मेदार, किसके कारण लाखों लोग परेशान हुए, तो इस पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि अभी तक कोई टीम गठित नहीं हुई है। जरा एक बार फिर से वो सुबह वाला बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। सर, ये अभी कोई कमेटी नहीं बनी है, गलत सा समाचार, कोई कमेटी नहीं बनी। ठीक सर, आपने कागजात देख लिए हैं किस तरीके से पहले आदेश निकलता है, फिर सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि अभी कोई टीम गठित नहीं हुई है, हालांकि उस पर लिखा गया है आदेश पर कि किया जाता है, लेकिन जब इस पर फिर से जवाब तलब किया जाता है नगर विकास विभाग के मंत्री बिहार सरकार के सुरेश शर्मा से, तो वो कहते हैं आदेश निकला है लेकिन अभी तक मैंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ये कैसा मजाक हो रहा है, लोगों की जान कितनी फजीहत में है, हज़ारों लोग अभी डेंगू के चपेट में आ चुके हैं, हालांकि फॉगिंग की जा रही है सरकार की ओर, लेकिन उसका जिम्मेवार कौन था जब हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए, अपने अपने घर को छोड़ने को बेबस हो गए, बूंद बूंद पानी को तरस गए, उसके लिए जिम्मेवार कौन था, तो इस पर सुरेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुनिए। नगर निगम ऑटोनोमस बॉडी है, समझ गए, बुडको तो नहीं है, बुडको भी एक अलग कॉर्पोरेशन है, बोर्ड के द्वारा वो गाइड होता है, आपके अधीन आता है, नगर विकास के अंदर अधीन तो नगर विकास के अंदर ये सब है, लेकिन जवाबदेही अलग अलग है, और इसमें जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर दोषी इसमें जो भी पाया जाए, अब तो मुख्यमंत्री के स्तर पर रिव्यू हो रहा है, समझे ना, जो भी रिव्यू दोषी पाया जाएगा। आज सुबह मुख्यमंत्री जी से बात हुई है? नहीं, मेरी कोई बात, आपको फोन आया था, सवाल बात ही नहीं हुई है तो हम कैसे। सुशील मोदी जी ने बयान क्यों दिया, कोई सुशील मोदी जी का बयान देने का, उप मुख्यमंत्री उन्होंने कल रिव्यू किया था नाला वाला का, नहीं हमें कोई नहीं मालूम है इसके बारे में, आपको नहीं बुलाया गया था उसमें, नहीं कभी, वो उसको साबित किया जाएगा, जो इंक्वायरी होगी उस पर कार्रवाई। आपने दोनों के ताज़ा बयान को सुन लिया है, आदेश की कॉपी एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप देखें किस तरीके से आदेश निकलता है, उसके बाद सुरेश शर्मा कहते हैं कि जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि अभी कोई टीम गठित नहीं हुई है, वहीं सुरेश शर्मा कह रहे हैं कि टीम गठित होगी और टीम गठित हो चुकी है कागज के अनुसार से। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टेंस आपको इस वीडियो में देखने को मिल गए होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और कब तक कार्रवाई की जाएगी उन दोषियों पर जिनके कारण हज़ारों लोगों की जो जान है, जो लाखों लोगों की जान है, वो खतरे में आ गई थी। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।